नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल 3L's लर्निंग फॉर ऑल में बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम एंड व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट इन मैथ्स। एक्चुअली फ्रेंड, नंबर इज ऑल अबाउट आवर लाइफ एंड it has very important part in our life. In coming slides we will study about what is number, what is different types of number. So let's start learning. Number system are basically seven types: natural number, whole number, integers, rational numbers, irrational number, prime number and composite number. So 0 and 1 are neither prime nor composite. The only even prime number is 2. 2 and 3 are the only consecutive prime number. So 0 or 1 na to prime number hote hain aur na composite number hote hain. Prime number se hamara matlab yahan pe hai abhajya sankhya aur composite aap bol sakte hain bhajya. ओनली जो सम प्राइम नंबर है वो दो या टू होता है। टू और थ्री जो होते हैं वो कंजेक्टिव प्राइम नंबर से, यहाँ हमारा जो मीनिंग है, हमारा जो मतलब है वो ये है कि कंटिन्यू आने वाले प्राइम नंबर हैं। सो टू और थ्री आर कंजेक्टिव प्राइम नंबर्स एंड दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट नंबर। टू द नेक्स्ट डेफिनेशंस ऑफ होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो। नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दीज नेचुरल नंबर व्हेन इंक्लूड जीरो। जब नेचुरल नंबर और जीरो मिल जाते हैं, इट्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, इट्स कॉल्ड होल नंबर। Integers, integers is the set of whole number and their opposites. As you see, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. So minus 2, minus 3, minus 1 is called negative integers and 1, 2, 3 is called positive integers. Now come to the rational numbers. Any numbers that can be written in the form of A by B, ya aap bol sakte hain ki किसी भी रेजनल नंबर को जिसको आप बटे में लिख सकते हो, जिसको आप न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर के अंश और हर में लिख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, न्यूमिनेटर और ड्यूनूमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर को आप अंश बोलते हैं और इसको हर बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो भी नंबर भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है उसको रेजनल नंबर कहते हैं। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ कम टू द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं आपके कोई भी नंबर जो ए बाई बी की फॉर्म में ना लिखा जाता है, नहीं लिखा जा सकता। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। वॉट इज द रियल नंबर? द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स टूगेदर कॉल्ड रियल नंबर। So you can say this is the example of rational number. I hope you understand what is whole number, integers, rational number and irrational number. Let's come to what is the successor and predecessor. So friends, successor means adding one in number, like successor of 12 will be 12 plus 1 13, and predecessor means 1 is subtract from the given number, like predecessor of 12 will be 12 minus 1 is 11. So successor means 1 plus to the given number and predecessor means 1 minus to given number. So these are the definition of successor and predecessor. What is the ascending number, descending number and
आरोही अवरोही और यू कैन से छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, व्हाट इज दिस? सो फ्रेंड, असेंडिंग नंबर मीन्स योर काउंटिंग, एज वी से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दीज आर कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. दीज आर कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर एंड कॉमनली यू कैन से छोटे से बड़ा. यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द स्मॉलेस्ट, देन द बिगर, देन द बिगर, देन बिगेस्ट एंड द लास्ट द बिगेस्ट. सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जाना. सो असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा. एंड एज यू सी इन योर पिक्चर, दिस इज 20, 21, 22, 23, 24. नाउ कम टू द डिसेंडिंग. डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा. यू कैन सी द बिगेस्ट, बिगर, बिग एंड इट्स कंटिन्यू एंड द एट लास्ट इट इज अ स्मॉलर. सो डिसेंडिंग मीन्स बैक काउंटिंग एंड असेंडिंग मीन्स काउंटिंग. वॉट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यूज? प्लेस वैल्यू, ईच डिजिट इन द नंबर हैज प्लेस वैल्यू और अ फेस वैल्यू एंड अ वैल्यू इन द नंबर 4. आप समझ सकते हैं प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, किसी भी डिजिट का स्थानीय मान क्या है और फेस वैल्यू उसका क्या अंकीय मान है. आप यहाँ इसको इस एक एग्जाम्पल से समझिए. अगर यहाँ पर इसका फेस वैल्यू देखा जाए तो फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 1, 10, 100, 1000. द फेस वैल्यू इज 1000 एंड द फेस वैल्यू ऑलवेज 4. सो प्लेस वैल्यू इज 1000 एंड फेस वैल्यू इज 4. सो फ्रेंड, फेस वैल्यू इज द सेम एज द नंबर बट प्लेस वैल्यू मे बी वेरी, इट्स मे बी चेंज. Place value always change but face value always the number same. The number you see is 4 is the face value, meaning the place value is 1000. So place value means sthaniya maan and face value means ankiya maan ya ank ka maan, uska kya hota hai. Jaisa aap dekh sakte hain example mein, face value is 4 because ank is 4. If we ask the place value and face value is 8, so you need to give me the answer in the comments box. What is the place value of 8 and face value of 8? Give me the answer in the comments box. Now we will discuss about the expanded form and standard form. What is expanded form and standard form? Expanded form ko aap bol sakte ho kisi bhi संख्या को खोल कर लिखना. आप देख लें ओपनली लिखना, उसके स्थानीय मान उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना, उसको उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं. दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, या आप बोल सकते हैं इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, दस हजार एंड लाख. सो फ्रेंड, एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स ओपन द डिजिट फॉर्म. सो एंड दिस इज, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म एज यू सी, दिस इज 4,53,169. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड व्हेन द डिजिट इज रिटन इन दिस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म वैन राइट ऑन देयर प्लेस वैल्यूज. नाउ इंडियन नंबर सिस्टम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आर आस्क फ्रॉम नंबर सिस्टम इन इंडियन नंबर सिस्टम. इन इंडियन नंबर सिस्टम वी स्टार्ट फ्रॉम वंस इज हियर. वंस इंक्लूड वंस, टेंस एंड हंड्रेड, दीज आर कम इन टू द ग्रुप ऑफ वंस. देन थाउजेंड इंक्लूड 2000 एंड 10,000. लैख इंक्लूड लैख, 10 लैख, करोड़, 10 करोड़. सो दिस इज कॉल्ड द इंडियन नंबर सिस्टम एज यू सीन ऑन योर स्क्रीन.
Now dividing into the periods and group. For dividing into periods and group, we use once, tens, hundred. It's a unit period. Unit period means once. Then thousand, 10,000 come into the thousand periods. Lakh, 10 lakh come into the lakh period, and the crore, 10 crore, they come into the crore periods. But here only 3 periods are shown. So these are the place value of international number system. As you see, ones, tens, hundred and thousand is the same written over here. But thousands is written 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, billion, 10 billion, 100 billion, trillion, 10 trillion, 100 trillion. So friends, these are the international number system chart. Ones, there have no zero. Tens, 1 0, 100, 2 0, 3 0, you can see over here. And million, there have 6 0. You can count ones, tens, hundred, ten, ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh. So 10 lakh equals to 1 million, and 10 lakh has 6 zeros. So this picture is showing the international number system. So what is the estimated or round off? These are the some examples of estimated. Estimate means the take the round off. Like when we add these two digits, the round off of thousand. These are the round off of thousand. And these are the estimated. To begin, we round off of 100. We take this. As you see, if it's more than 5, we take the plus on this. And if it is, you can see it over here, it's 599, we take 600. But because here is 4, no, if but here is 4 and we take 700. अगर यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे 5 होता तो वी टेक 735. सो फ्रेंड, दिस इज द एस्टिमेटेड नंबर. दिस इज द रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स इज कॉमनली दीज रिटन इन दिस वेज. यू कैन सी इज ओवर हियर. Thousand call M, and 100 call C, 90 call XC. So these are the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and these Roman number has very important parts in our body. So this is Roman numerical tables. You can see over here. What is the general guide to add Roman number? Roman numbers are made up by adding or subtracting numbers like this. You can see over here. If you want to say 1,000 or 1,100 in Roman numbers, you would say M for 1,000 and then put C after the 100 and you write MC. So MC equals to 1,100. 900, you need to write 1,000 minus 100, so we see it's CM. So these are the basic general guide to write the Roman numbers. You can see over here, 90, how to write the 90. We break the 90 into the form of 50, then 10, 10, 10. You can see over here. And how do we write the 90? But this is not a correct way. This is not a correct way. You can see over here, this is not a correct way. And this is the right way to write 90. For that, we need to minus 10. And this is correct way.
So 90 called axis, and now come to the definition of prime numbers, even and odd numbers, composite number. Prime numbers को हम बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या, वैसी वो संख्या जो कि दो फैक्टर रखती है, एक नंबर इट्सेल्फ एंड द वन. एग्जाम्पल 7 इज द प्राइम नंबर बिकॉज उसके ओनली एक 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है. इवन ओड एंड प्राइम कंपोजिट नंबर होते हैं आपके. 1 इज नॉट अ प्राइम और नॉट कंपोजिट नंबर. 2 इज ओनली इवन प्राइम. नॉट ऑल ओड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. आप देख सकते हैं कि सारे ओड जो हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं. ओड से हमारा मतलब है कि जो नंबर 2 से विभाजित नहीं होते हैं वो ओड कहलाते हैं, या 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ओड नंबर कहलाते हैं. ऑल कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड